हेलो बच्चों, तो लेकर आ गए हम फिर से एक बार क्लास 12th का L4 मींस लेक्चर 4, और बाकी के वीडियोस आपने पढ़े ही होंगे और हम NCERT से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ा रहे हैं आपको। कई कमेंट मुझे आते हैं और जहां तक NCERT के क्वेश्चंस की बात है सब कुछ इस लेक्चर में कवर हो जाता है। साथ में अगर आप नोट्स देखेंगे हमारे तो और भी बहुत कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं तो वो हमने होमवर्क सॉल्यूशन वीडियोस बना रखे हैं, आप उसे देखिए। उसमें नीट, एम्स काफ़ी और बोर्ड से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिल सकती है। डाउट ग्रुप भी हमने कर रखा है कि अगर उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो आप हमसे हमारे डाउट ग्रुप पे आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो होमवर्क सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर देखिए अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देना चाहते हैं। वो सब अवेलेबल है हमारे ऐप पे, मीन्स लर्न एंड शेयर के ऐप पे, तो जुड़िए हमारे ऐप से। चलिए आज शुरू करते हैं आज का L4 लेक्चर नंबर 4 जो कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। चलिए चैप्टर फ्लो आपको पता ही है क्या क्या पढ़ना है हमें। लैंगिक जनन पढ़ना है, उसकी तीनों घटनाएं पढ़नी है जिसमें हम करीब करीब निषेचन पूर्व घटनाओं तक पहुंच गए हैं, और उसके बाद बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनिक, ठीक है, एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी भी पढ़ना है हमें, अनिषेक फलन भी पढ़ना है। और आज हम पढ़ने वाले हैं परागण, ठीक है, क्या है परागण। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परागण के प्रकार, मीन्स क्या क्या परागण के प्रकार होते हैं, और स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण के दोष। ये तीन चार चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं और थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़रूर है लेकिन 12th के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है। आप अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले देखते हैं परागण क्या है। तो आपको अगर थोड़ा सा ध्यान हो पिछला जब हम देखें थोड़ा सा, तो हमने क्या बनाए थे, नर युग्मक और मादा युग्मक बनाए थे। उसको एक बार अगर हम रिकैप करना चाहते हैं तो मैं आपको एक रिकैप बता देती हूँ। हमने बनाया था नर, जो निषेचन पूर्व घटनाएं थी, और एक मादा जिसमें हमने पुष्प की बात की थी। नर में हमने देखा था कि ये तो होता है हमारा फिलामेंट और उस पर होता है हमारा पराग कोश, कैसे भी आकार का हो सकता है पराग कोश, आप देखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है लंबा भी, ये पहले ही बात कर चुके हैं। हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा यहां से, तो हमने देखा कि वो चतुष शेप में होता है इस तरह, और द्विपालित और चतुष्फलकीय होता है, और हर पाली में दो क्या थे, लघु बीजाणु धानी थी, यानी कि मेगास्पोरेंजियम थी। हर मेगास्पोरेंजियम को जब हमने खोला तो उसमें देखा कि हर मेगास्पोरेंजियम में सबसे पहले क्या बनता है, मेगास्पोर मदर सेल बनती है यानी MMC बनती है। MMC में मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन से हमें क्या मिलते हैं, चार चतुष्क मिलते हैं यानी कि पराग कण मिलते हैं जो आपस में चिपके हुए होते हैं, या आगे जाके जब अलग होते हैं यानी पराग कण में कन्वर्ट होते हैं, तो पराग कण का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था वो कुछ ऐसा था, बीच में थी कोशिका जिसमें एक कायिक कोशिका थी और एक जनन कोशिका थी, और चारों तरफ इसके एक स्पाइनल डिजाइनड लेयर थी जिसको एक्सटर्नल लेयर या बाहरी चोल भी कहते हैं, एक्साइन कहते हैं, और अंदर वाली को इंटाइन कहते हैं। ये क्राउन लगा के आए हैं भाई साहब, किंग है ये। तो ये तो हमने बनाया था पराग कण, ठीक है। ऐसा ही हमने मादा में देखा था पुष्प के अंदर, जहाँ पे क्या होती है हमारी वर्तिकाग्र और वर्तिका होते हैं, और यहाँ पे होते हैं हमारा अंडाशय। अंडाशय के अंदर अंडाशय गुहा होती है या कोष्ट होता है जिसको कार्पल भी कहते हैं। कार्पल के अंदर हमारा कौन लगा होता है, बीजांड लगा होता है जिसका स्ट्रक्चर हमने कुछ ऐसा देखा था। ठीक है, अध्यावरण देखे थे हमने, एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्म में बीजांड देखा था। बीजांड के अंदर की कोशिका में से एक कोशिका जो होती है वो क्या बना लेती है, MMC मीन्स मेगा स्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बना लेती है। यहाँ पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, यहाँ पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। मेगा स्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन से चार बनते हैं जिसमें से तीन डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब अपशिष्ट हो जाते हैं, और एक बच जाता है जिसको हम गुरु बीजाणु कहते हैं, और यही गुरु बीजाणु यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे पराग कण बन जाता है लघु बीजाणु से, ये लघु बीजाणु था,
जब तक ये जुड़े रहते हैं, लघु बीजाणु कहते हैं, तब तक इनमें क्या नहीं होता, तब तक इनमें ये वाले स्ट्रक्चर नहीं बने होते, और इसी के अंदर हमारा क्या है, नर युग्मक है, यानी नर कोशिका है, ये परागकण है। ऐसा ही गुरु बीजाणु में होगा, गुरु बीजाणु से हमारा क्या बन रहा है, भ्रूणपोष बनता है, जिसमें केंद्र की विभाजन होता है, तीन कोशिकाएं ऊपर होती है निभाग की ओर, बीच में एक कोशिका होती है जिसमें दो केंद्रक होते हैं, और नीचे भी तीन कोशिकाएं होती हैं, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रही, जिसमें एक हमारी होती है अंड, जिसको हम क्या कहते हैं, मादा युग्मक, यहाँ हमारा मादा युग्मक है, और इस पूरे को हम क्या कह देते हैं, भ्रूण कोश, एंडो एम्ब्रियोसेक, ठीक है, एम्ब्रियोसेक कह देते हैं। तो एम्ब्रियोसेक में ही हमारा नर मादा युग्मक होता है, यहाँ हमारा नर युग्मक है परागकण के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेशल बात ये थी कि आपने देखा यहाँ पे कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्र के, तो केंद्र देख लेते हैं, 1 2 3 दो इसमें है, ठीक है, 5 6 7 8 8 केंद्र की है ये, 8 केंद्र की भ्रूण। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एम्स पीएमटी जैसे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि प्रारूपिक एंजियोस्पर्मी का भ्रूणपोष कैसा होता है, भ्रूणकोश कैसा होता है, एम्ब्रियोसेक कैसा होता है, तो एम्ब्रियोसेक कैसा होता है, 8 केंद्र की होता है, लेकिन कोशिकाएं कितनी होती है उसमें, 7 कोशिकाएं। अब आप बोलेंगे कैसे, तो ये ऐसे कि ये 6 है, 3 इधर 3 इधर 6, बीच वाले में मैंने बोला कि कोशिका एक होती है लेकिन केंद्रक दो होते हैं, तो केंद्रक तो दो हो गए लेकिन कोशिका एक है, इसलिए ये 7 कोशिकीय अवस्था में रहता है भ्रूणपोष। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बोर्ड के एग्जाम के पर्पस से भी, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, भ्रूण को पोष को ही हम और क्या बोलते हैं, मादा युग्मकोद्भिद, और इसे क्या कह देते हैं, परागकण को नर युग्मकोद्भिद, ठीक है, उसी के अंदर नर युग्मक होता है, मादा युग्मकोद्भिद के अंदर ही मादा युग्मक होती है। तो हमने बना दिया है हमारा किंग और क्वीन, अब इनको क्या करना है, मिलाना है, मींस रिप्रोडक्शन करवाना है आपको, तो उसी के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब इनको मिलाए कैसे। तो मिलाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, ठीक है। तो क्या है परागकण, परागकणों का पराग कोश से मुक्त होकर उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागकण कहलाता है। हमने नर युग्मक बना लिया, हमने मादा युग्मक बना लिया, अभी दोनों को मिलाने का काम बचा है, कहानी अभी अधूरी है, जब क्योंकि जब तक लव स्टोरी का डी अच्छा एंडिंग नहीं होगा, तब तक हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो परागकण बन तो चुके हैं पराग कोश में, ठीक है, उस पराग कोश से स्पुटन से, यानी डेहिसेंस आपको बताया था कि ये पराग कोश से बाहर निकलेंगे, तो पराग कोश से बाहर निकल के मादा के उसी जाति के, ये उसी जाति क्यों स्पेशल है, क्योंकि उसी जाति में ही रिप्रोडक्शन होगा। अगर आप एक जाति ले लेंगे और दूसरी जाति के पराग कणों को एक जाति के पराग कण पे मिलाएंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, क्योंकि जाति उसी को कहते हैं जो आपस में क्या कर सकती है, जिसकी मेंबर्स आपस में, जिसके सदस्य आपस में क्या कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके। तो उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरना, जाति समझ गए होंगे आपने, 11th में पढ़ा, एक जाति में बहुत सारे मेंबर होते हैं, जैसे मैंगो, मैंगो की एक जाति है, ठीक है, तुलसी एक अलग जाति है, आप मैंगो के परागकण को तुलसी पे गिराएंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मैंगो को मैंगो के उस पे ही गिराना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए उसी जाति लिखना बहुत जरूरी है। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, पराग कण, या जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन अगर आपने पढ़ा है तो पॉलिनेशन में क्या, हमने लास्ट जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि पॉलिनेशन यानी नर युग्मक का मादा युग्मक के पास पहुंचना बहुत तरीकों से होता है, डिफरेंट डिफरेंट वे से होता है। तो परागकण, परागण जो होता है उसके क्या प्रकार होते हैं, मतलब कैसे हम परागण करा सकते हैं, तो परागण विभिन्न स्रोतों के आधार पर दो प्रकार का होता है, पहला स्वपरागण और दूसरा है परपरागण, ठीक है। स्वपरागण को सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं और परपरागण को क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो दो प्रकार का परागण होता है, कैसे ये देख लेते हैं। सबसे पहले है स्वपरागण।
स्व परागण किसे कहते हैं? स्व का मतलब स्वयं, तो नाम से ही उसकी परिभाषा आपको क्लियर हो रही होगी। एक पुष्प के पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को स्व परागण कहते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, तो वो ऐसे कि जैसे ये मान लो ये हमारा पेड़ है या पौधा है, इस पे एक फूल यहां लगा हुआ है, एक फूल यहां लगा हुआ है। अब फूल कैसा भी हो सकता है, ठीक है, एक लिंगी भी हो सकता है, मतलब अगर ये एक लिंगी है और पादप कैसा है, एक लिंगाश्रय है, एक लिंगाश्रय समझ गए, जिस पर नर व मादा पुष्प दोनों एक ही पौधे पर लगते हैं। पौधे पर बोला मैंने, फूल नहीं बोला, ठीक है। एक लिंगाश्रय मतलब एक ही पर नर व मादा पुष्प लगे, ठीक है। तो मान लो ये नर है और ये मादा पुष्प है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि हमारा पुष्प ही कैसा हो, द्विलिंगी हो, मतलब उसी पुष्प पे नर और उसी पुष्प पे क्या हो, मादा हो, दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन पौधा एक ही होना चाहिए, दूसरे पौधे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक लिंगाश्रय अगर ये है, तो अगर इसी के परागकण, मतलब इसका ये अंतर और अगर ये मादा है तो इस पे क्या होगी, वर्तिका उगरी, और अगर द्विलिंगी है तो इसका ये अंतर और इसकी ये वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक है। तो पहली लाइन क्या है, उसी पुष्प के, मतलब अगर द्विलिंगी, ऐसा कब होगा जब पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे, या ये हो गया एक तरह का, जो या वाली लाइन वहां तक खत्म हो गई, या उसी पादप के, अब ये पादप है यानी यही प्लांट है, उसी पादप के परागकण, यहां से परागकण आए, अब ये यहां तो गिर नहीं सकते क्योंकि इसके पास तो वर्तिकाग्र है नहीं, तो वो कहां गिरेंगे, मादा वाले पुष्प पे जो उसी पादप पे है, क्योंकि पादप कैसा है हमारा, एक लिंगाश्रय यानी ठीक है। तो चलिए परागकण कैसे हो गए, गिर गए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पहुंचने की क्रिया को स्व परागण कहेंगे, या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पादप के दूसरे पुष्प पर गिर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, स्व परागण कहते हैं। अब स्व परागण की क्रिया की परिभाषा से आपको दो लाइन समझ में आई। अब ये जो दो लाइन है ये क्या हो, उनको हमने दो अलग टाइप में बांट दिया है क्योंकि थोड़ा ट्वेल्थ लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, ये तो आपने टेंथ तक भी पढ़ा होगा। तो पहला है ऑटोगेमी, जिसे स्वागामी स्वयुग्मन भी कहते हैं, ऑटोगेमी, और दूसरा होता है जीटोगेमी, ठीक है। अभी ऑटोगेमी पढ़ेंगे। ऑटोगेमी क्या है, एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे, मतलब पहली वाली कंडीशन जिसमें क्या हो, यही पुष्प है, पुष्प कैसा होगा, द्विलिंगी होगा, ठीक है। ये इसके पुंकेसर है, ये हमारा जो है वर्तिका है, तो यहां से परागकण आया और वर्तिकाग्र पर गिर गया। तो ऐसी वाली कंडीशन जब होगी, यानी उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसे स्वयुग्मन यानी ऑटोगेमी कहते हैं। किसमें होता है ये, मटर में। वैसे मटर में आपने पढ़ा है कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों होता है, लेकिन मटर का एग्जांपल लिया है हमने। और ऐसा किसमें किसमें होगा, जहां पे पुष्प कैसे होंगे, द्विलिंगी होंगे, जैसे गुड़हल। गुड़हल में भी कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, धतूरा, ये सब, तो इनमें उसी पुष्प गिर जाता है। तो ये वाली प्रोसेस जो स्व परागण की है सबसे इजी है, क्योंकि नर युग्म को कोई जाना ही नहीं पड़ता, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिर गया, काम खत्म, दोनों मिल गए, कहानी का एंड, ठीक है। ये सबसे इजी और सबसे मैक्सिमम टाइम यही होता है और सबसे सक्सेसफुल निषेचन भी इसी में होता है। चलिए नेक्स्ट जो होगा वो है सजातीय पुष्पीय परागण। अब सजातीय मतलब जाति सेम होगी लेकिन पादप डिफरेंट होगा, दूसरी वाली कंडीशन जिसको हम जीटोनोगैमी भी कहते हैं।
एक पुष्प के परागकण उसी पादप पर लगे अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे, जैसा कि हमने दूसरी वाली कंडीशन में पढ़ा था कि ये पुष्प है, इस पर यहाँ पे लग रहा है परागकण और यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे भी परागकण। अब वर्तिकाग्र जो है वो ये इधर है, यहाँ पे मादा वाला पुष्प है, द्विलिंगी भी हो सकता है, हो सकता है ऊपर वाला एक पुष्प इस पे दोनों भी लगे हो, द्विलिंगी भी हो सकता है, लेकिन उसी पुष्प पे नहीं गिर के उसके नीचे वाले पुष्प पे गिर जाए परागकण, तो ये कंडीशन हो सकती है ना। तो इसके परागकण क्या हो, उसी पादप के, सेम प्लांट, प्लांट सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम प्लांट पर दूसरे पुष्प के पे गिर जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, जीटोनोगेमी या सजातीय पादप। लाइन समझ में आ गई होगी, जो स्वपरागण थी उसकी हमने जो दो लाइन की उसी से दो प्रकार बांट दिए, कैसा होता है इसमें, गेहूं और चावल के अंदर, ठीक है। पर परागण समझ गए, दूसरों पर परागण, इसमें क्या होगा, एक पादप के पुष्प के परागकण उसी जाति, ये उसी जाति मैंने पहले भी बोला बहुत जरूरी है, ठीक है, दूसरे पादप पे। अब क्या होगा, यहाँ पे तो एक ही पादप था, वहीं पे आपस में ही काम हो रहे थे, मीन्स चालू थे, यहाँ पे क्या है, पादप दो है लेकिन जाति सेम है। अगर ये मैंगो है, मैंगो की एक जाति है, मैंगो इंडिका है, यानी मेंजीफेरा इंडिका है, तो ये भी वही मैंगो होगा, दूसरी जाति नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे तो एक मैंगो की जाति ले जाओ, जैसे मैंगो मेंजीफेरा इंडिका ले लिया और इधर मेंजीफेरा अडोर्टा ले लिया, स्पीशीज सेम होनी चाहिए। स्पीशीज कहाँ से पता चलती है, उसके पीछे वाले नाम से, तो दोनों मैंगो मैंगो होने चाहिए। या फिर ऐसा नहीं, इधर मैंगो ले लिया, इधर तुलसी ले लिया, उसी जाति मेन पॉइंट है। तो उसी पादप के पुष्प, ये द्विलिंगी भी हो सकता है, मतलब इसी पे परागकण हो और इसी पे क्या हो, वर्तिकाग्र भी हो, द्विलिंगी भी हो सकता है और एक लिंगी भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जाना तो इसको परदेश ही है, मतलब दूसरे घर ही है, ठीक है। तो उससे कोई, पढ़ो मोहल्ले में कितने ही लड़के लड़कियां हो, हमें तो फॉरेन ही जाना है, दूसरे घर में ही जाना है ना, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे क्या हो, एक पादप के परागकण दूसरे पादप के, अब इसका भी पुष्प होगा, उस पे भी क्या होगी, वर्तिकाग्र और परागकण हो सकते हैं, वर्तिकाग्र तो होगी होगी, परागकण हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है एक लिंगी है या द्विलिंगी। तो इसके परागकण अगर दूसरे, उसी जाति के दूसरे पादप के पुष्प पे जाके गिरते हैं तो उसे हम कहते हैं जीटोगेमी, सॉरी पर परागण, ठीक है, क्या कहते हैं, पर परागण। तो ये हो गई पर परागण की बात, जैसे तरबूज और पपीता, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ठीक है, तरबूज पपीता तो दो लिखने हैं तो हमने लिख दिए। तो स्वपरागण और परपरागण आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ज्यादा फायदेमंद कौन सा होता है, यानी निषेचन की घटना किस में सक्सेसफुली होती है, तो वो स्वपरागण में होती है, क्योंकि उसी को वहीं पे गिरना है, ज्यादा दूर जाना नहीं है। लेकिन परपरागण थोड़ा डिफरेंट होता है, तो निषेचन मीन्स फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि स्वपरागण के क्या क्या फायदे हैं या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व जो है, यानी कि मेरिट्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, इस प्रकार के परागण में कम परागकणों की आवश्यकता होती है। भाई उसको उसी प्लांट पे गिरना है या उसी पुष्प पे गिरना है, क्योंकि स्वपरागण की परिभाषा यही है, तो उसको ज्यादा परागकण की जरूरत नहीं होगी। अभी कहीं दूर जाना हो तो उतनी एनर्जी भी लगेगी, वो पता नहीं वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, उसकी चांसेस कम है, तो परागकणों की संख्या भी ज्यादा प्रोड्यूस करने पड़ेंगे उसको परागकण। तो स्वपरागण में क्या होता है, परागकण की आवश्यकता कम होती है क्योंकि उसी पे गिरना है। यह किसी प्रजाति की शुद्ध नस्ल मीन्स प्योर लाइन बनाए रखने में मदद करता है। कैसे, कि जैसे यही पौधा है, इसका एक एग्जाम्पल आप ले लो कि ये जो है हमारा जामफल है, जामफल समझते हैं, गुआवा। अब इस जामफल के जो फल है, ठीक है, जब फल बनेगा, निषेचन होगा, फल बनेगा, वो मीठे है, तो हम चाहते हैं कि अगर ये किसी दूसरे पेड़ के उस पर परागकण गिरा तो उसका फ्लेवर भी उसमें मिक्स हो सकता है, जीन्स मिक्स हो सकते हैं, तो हम चाहें कि नहीं ये मीठा ही रहे, तो हम इसमें स्वपरागण कराएंगे। क्यों, क्योंकि इससे जो इसी के परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, इसी से फ्रूट बनेगा, दूसरे का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन होगा नहीं दूसरे वाले पेड़ का, तो इसके सारे फल जो है वो कैसे होंगे, मीठे होंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर हम चाहते हैं तो प्योर लाइन मतलब शुद्ध नस्ल बनी रहती है,
उसके जो कैरेक्टर है वो उसी के पास रहेंगे, उसमें कोई मिक्सिंग के चांसेस कम रहेंगे। तो ये रखने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। दूसरा हो गया, नेक्स्ट है तीसरा, परागण व फलस्वरूप बीज निर्माण की अधिक सुनिश्चितता होती है। बीज निर्माण कब होगा, जब निषेचन होगा। अगर उसको पास में ही गिरना है तो निषेचन की संभावना है, जैसे मैंने बोला, बहुत बढ़ गई, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, कोई ट्रैवलिंग करनी नहीं है, वहीं गिर जाता है तो निषेचन भी आसानी से हो जाएगा और उससे बीज भी मिल जाएगा, और बीज बनेगा तो नए पौधे उत्पन्न होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। विशेषतः जब प्रजाति के सदस्य सामान्य रूप से नहीं पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि देखो हमारे आसपास, जैसे आपने एक पौधा उगाया, मान लो केले का उगाया, ठीक है, केला उगाया, अब केले में निषेचन कब होगा, जब उसके परागकण जो है या तो उसी पे गिर जाए तो फ्रूट बन जाएगा, लेकिन अगर पर परागण होना वाला हो उस पे, तो फिर आपके आसपास कोई दूसरा केले का पेड़ ही नहीं है तो पर परागण तो संभव ही नहीं हो पाएगा, फिर तो निषेचन भी नहीं होगा और केले की प्रजाति नष्ट हो जाएगी। तो ये यही बात बोल रहा है कि जब प्रजाति के सदस्य सामान्य रूप से नहीं पाए जाते हो, मतलब आसपास नहीं हो या दूर हो, तो दूर होंगे तो ऐसे में पर परागण तो होगा नहीं, तो स्व परागण ही सबसे बेस्ट वे है निषेचन करने का। इसीलिए, क्योंकि इस प्रकार परागण बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि पर परागण पे भी हम पढ़ेंगे कि पर परागण किससे होता है, वायु द्वारा, कीटों द्वारा, जल द्वारा, तो इन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। विपरीत पर्यावरण परिस्थितियां, वही परागण, पर परागण अगर हो, यानी दूसरे एक पर जाना है उसको, तो जाएगा तो बीच में धूप, सर्दी, बारिश, कोई पैर में कुचल देगा, ऐसी विपरीत परिस्थितियां अगर आ गई तो परागण तो मर जाएगा, या कीट द्वारा होता है तो कीट उसको हो सकता है पहुंचा ही नहीं पाए, ऐसी पॉसिबिलिटी जो होगी वो पर परागण में होती है। तो स्व परागण में ऐसी सारी कंडीशंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या फिर वहां का आकार की, जैसे पहाड़ों पर भी यह लाभदायक है, पहाड़ों पर आपने देखा पेड़ पौधों की संख्या कम होती है, कुछ स्पेशल स्पीशीज ही पाई जाती है, ठीक है, लेकिन अगर स्व परागण होता है तो उसी पेड़ के परागकण उसी पेड़ पर गिर जाएंगे या गिर जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी सिंपल हो जाएगी स्व पोषण की या निषेचन की। लेकिन मान लो एक उसका पेड़ वहाँ पहाड़ पे उग रहा है, एक या नीचे उग रहा है, तो बताओ वो इतने किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय करने में अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो निषेचन तो पॉसिबल ही नहीं है, कहानी तो अधूरी रह जाएगी, मिलन तो होगा ही नहीं। तो इन सब चीज़ों में भी क्या है, स्व परागण सबसे बेस्ट है। उसके लिए क्या होना चाहिए, द्विलिंगी पुष्प होना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक लिंगी में फिर वही, अगर पेड़ एक लिंगी है मतलब उस पर सारे एक ही टाइप के लेंगे तो उसको दूसरे पेड़ पर जाना ही पड़ेगा निषेचन के लिए, ऐसे में फिर पर परागण ही एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है। चलिए अब है स्व परागण के कुछ दोष, फायदे तो पढ़ लिए लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पे भी एक नुकसान है। पहला, स्व परागण से आनुवंशिक भिन्नता का विकास नहीं होता, अंत पौधे के स्वास्थ्य ओज में कमी आती है। क्या नहीं होता, आनुवंशिक भिन्नता। अब इस स्टोरी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप एक ही घर में रह रहे हैं, पुराने जमाने में आप देखते थे ना, लोग जो है वो गांव के गांव में शादियां करा देते, ज़्यादा दूर भेजते नहीं थे, है ना, आस पड़ोस में कहीं करा दिया। तो या फिर आप सोचें कि आप एक घर में रह रहे हैं, कहीं बाहर जाते ही नहीं है, दिन भर घर के घर में पड़े रहते हैं, तो आपकी जो सोच है वो क्या नहीं हो पाएगी, विकसित नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप उसी गांव उसी घर में रह रहे हैं तो वैसी सोच है, नहीं ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, इधर नहीं रखना, उधर नहीं रखना, ऐसी आपकी क्या हो जाएगी, सोच हो जाएगी। मान लो अगर आप यहाँ से बाहर चले गए, है ना, कहीं काम करने चले गए, पढ़ने लिखने चले गए, तो आपकी सोच क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप देखोगे यार वहाँ तो लड़कियाँ लड़के सब काम करते हैं और खुद ही खाना बनाते हैं और पैसे भी ऐसे कमाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है, तो आपकी सोच चेंज हो गई। यही जीन पे भी वर्क करता है। अगर आप सेम ही पादप से बार बार निषेचन करते रहेंगे तो आपकी आनुवंशिक भिन्नताएं नहीं आएंगी, आपके जीन वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया इसमें क्या बनती है, प्योर लाइन बनती है, मतलब शुद्ध नस्ल बनती है, कोई चेंजेस नहीं आता, और वो हमारे विकास के लिए, मीन्स पौधों के विकास के लिए, जीवों के विकास के लिए सबसे नुकसानदायक बात है। हम जो आज सोचते हैं या पहले भी सोचते थे कि अदर कास्ट में शादी नहीं करनी चाहिए, है ना, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं अदर कास्ट में ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि हमारे विकास के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी है, उससे जीन में चेंजेस होंगे और हम और विकसित होते जाएंगे, ठीक है। तो आनुवंशिक भिन्नता का विकास नहीं होता, सेम वही कहानी,
वही चीज एक ही घर में सोच पुरानी वाली हिसाब चलता रहता है। स्वास्थ्य और ओझ पे उनमें प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होता क्योंकि जीन ही चेंज नहीं होते, वही के वही चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। समयुग्मकता यानी होमोजाइगोसिटी के बढ़ने से अंतः प्रजनन अवनन डिप्रेशन हो जाता है। क्या डिप्रेशन हो जाता है? ये क्या है कि आप बार बार स्वनिषेचन करा रहे हैं, है ना, उसी के स्वनिषेचन करा रहे हैं, मतलब उसी के फूल से उसी के वर्तिकाग्र पे करा रहे हैं, तो उनमें वही मैं कह रही हूँ जो जीन की जीन्स जो होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उसमें वैरायटी नहीं आ रही। वैरायटी नहीं आती तो क्या होता है कि कुछ समय बाद, ये आप थोड़ा इकोलॉजी में पढ़ेंगे, कुछ समय बाद क्या होता है, क्योंकि मैंने बोला कि एक जाति के ही मेंबर क्या कर सकते हैं, अंतर प्रजनन कर सकते हैं, तो धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आने लग जाती है कि सबके जीन एक जैसे हो जाते हैं, तो इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन आने लग जाता है, मीन्स उनमें जनन की क्षमता कम होने लग जाती है, वो जनन ही नहीं कर पाते क्योंकि वैरायटी नहीं आ रही है। ये थोड़ा इकोलॉजी का पार्ट है, ऐसा पढ़ोगे आप। तथा बीज कमजोर हो जाते हैं, अच्छी नस्ल नहीं होगी अगर पादपों में आप देखेंगे तो, वही सोच पुरानी, अगर ह्यूमंस पे आप अप्लाई करके देखेंगे तो उनकी सोच लोअर क्लास होगी, है ना, अच्छे विकसित नहीं हो पाएंगे वो, ऐसी कंडीशन, क्योंकि अब परम दर्जे की इनब्रीडिंग नहीं प्रदर्शित करते, वही इनब्रीडिंग का मतलब अच्छा जनन नहीं कर पाते। नई किस्मों के विकास नहीं होगा, वही मैंने कहा जीन में चेंज नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, नई वैरायटी नहीं आएगी, प्रतिरोधक क्षमता का विकास नहीं होगा, तो नई जातियों का विकास नहीं होगा, तथा समय के साथ उपज कम हो जाएगी। अगर आपने एक खेत में कोई फसल बो रखी है और सालों से उसमें स्वपरागण हो रहा है, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पे ये चीज हो जाएगी, एक तो इंटरब्रीडिंग जो है डिप्रेशन यानी अंतःप्रजनन हो जाएगा, साथ ही आपकी फसल जो है वो कम हो जाएगी। इसीलिए पर परागण कराना भी बहुत जरूरी है। चांसेस निषेचन के स्वपरागण में अच्छे हैं, लेकिन फायदेमंद जो होता है वो पर परागण होता है, ठीक है, हमारे हिसाब से भी, सोच के हिसाब से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। चलिए तो देखिए आपने क्या क्या स्वपरागण के फायदे थे और क्या क्या स्वपरागण के दोष थे। चलिए तो इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक जो है आज पूरा होता है, और आई होप आपको समझ में आया होगा, छोटा टॉपिक इसलिए लिया होगा क्या कि अच्छे से समझा सकें आपको। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक इंतज़ार करिए क्योंकि अभी भी मिलन नहीं हुआ है, हमारी लव स्टोरी का जो क्लाइमैक्स है वो अभी बाकी है।